actually go into the word, hum vachan mein jayenge, hum apne Bible ko le le, haathon mein, praise the Lord, hallelujah. Yadi aapke paas mobile hai, to mobile ko leke apne Bible app khol sakte hain. Praise the Lord. Parmeshwar ka vachan ek aisi cheez hai jo jab tak hum andar na le, unless we take in the word of God, it will not bring transformation. Praise God. Hallelujah. Parmeshwar ka vachan kabhi bhi hame force nahi karta. Kabhi bhi hame force nahi karta. It doesn't force us. Hallelujah. Hame English, Hindi dono mein try karunga bolne ke liye. Praise the Lord. Parmeshwar ki pavitra atma hamesha chahta hai ki Parmeshwar ka vachan hamare andar aaye. Isiliye jab Parmeshwar ka vachan, when the word of God comes to us, Parmeshwar ka pavitra atma is like a helper. Kya hai? Sahayak hai. परमेश्वर का पवित्र आत्मा सहायक है जो हमारी मदद करता है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आए. प्रेज द लॉर्ड. जिस तरह हम कभी कभी जिम में जाते हैं, है ना, जिम में कोई कोई जाते हैं, वर्कआउट करते हैं ताकि अपने आप को फिट रख सके, मसल्स बढ़ा सके, है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं, अपने वजन को कम कर सके, है ना, जिम हम जाते हैं. और जब जिम में जाते हैं तो एक पर्सनल ट्रेनर रहता है, क्योंकि यदि हम पर्सनल ट्रेनर के बिना जाके जिम में हम बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ, हम सब भार को उठाएंगे, हम दूसरे दिन क्या हो जाएंगे, वी विल बी डाउन, हम एक भी अपने हाथों को या पैर को हिला नहीं पाएंगे. सो ट्रेनर्स आर नेसेसरी. होली स्पिरिट इज लाइक दैट पर्सनल ट्रेनर. आमेन. एंड वी हैव टू बिलीव दैट ही इज देयर. परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, ये हमें विश्वास करना जरूरी है, दैट ही इज माई पर्सनल हेल्पर, है ना. Holy Spirit is not a helper because pastor said it, or because someone else said it, or my parents said it, that Holy Spirit is with you. Holy Spirit is my helper because I know that He is with me. Amen. Hallelujah. Jab hum masih issue mein aate hain, when we come in Lord Jesus, His Spirit comes and lives inside of us. Hai na? Parmeshwar ki pavitra atma kahan, kiske andar aati hai? Hamare andar aati hai. And when we want to grow more in the Lord, hum Parmeshwar mein badhna chahte hain, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामने ओबीडियंस में आना जरूरी है कि हाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो मुझे कहेगी मैं मानूंगा. आमेन. तो मानूंगा. पर्सनल ट्रेनर को यदि पता चलना है कि ये जो मैं जिसे बोल रहा हूँ ये मेरी बात मान रहा है, तो उसको कुछ एक्शंस में दिखना चाहिए, है ना. तो पर्सनल ट्रेनर बोलेगा कि आपको ये खाना बंद करना है ना, आपको वजन घटाना है, या फिर आपको फिट होना है, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में लाना है, तो आपको ये सब फ्राइड चीज़ें जो जंक फूड है नहीं खाना. तो होली जो पर्सनल ट्रेनर है ये बोलता है, लेकिन वो हमेशा 24 घंटे आपके साथ नहीं रहता. ही इज़ नॉट देयर 24 आवर्स विथ यू. इट इज़ योर ओबीडियंस दैट हेल्प्स यू टू वॉक वॉट ही सेड. आमेन. जब तक हम ओबीडियंस में नहीं आएंगे, जब तक हम उस ओबीडियंस में नहीं आकर पवित्र आत्मा को ये नहीं कहेंगे, पवित्र आत्मा हाँ मैंने तेरी बातें सुनी है, मैं जानता हूं कि ये सच है, वी नो, आई नो दैट इट इज अ ट्रूथ, बट आई एम रेडी टू वॉक इन इट, है ना, आई एम रेडी टू डू दिस. हाँ ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, शायद मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन कभी भी जो नहीं किया है वही करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि नहीं. प्रेज द लॉर्ड. ना परमेश्वर हैज नॉट, गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस आउट टू बी ऑर्डिनरी. गॉड हैज कॉल्ड अस आउट सो दैट वी विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आमेन. हालेलुया. And God has called us out to be disciples. क्या बनने के लिए हमें बुलाया है? शिष्य, है ना? We have to be His disciples. And disciples बनने के लिए discipline का होना जरूरी है. Amen. If there is no discipline, discipline root word से ही disciple आया है. If you see, disciple जो word है, discipline से आया है. Where there is no discipline, there is no disciple. Hallelujah. Amen. और discipline आसान नहीं होता, डिसिप्लिन मुश्किल होता है. प्रेज द लॉर्ड. डिसिप्लिन हमें अनकंफर्टेबल करता है ना, बहुत सारी चीज़ों में डिसिप्लिन जब हम सहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता. जब हमारी टीचर हमें डिसिप्लिन करती थी, आज भी हमें, मुझे वो टीचर सबसे ज़्यादा याद है जो हमें ज़्यादा डिसिप्लिन करती थी, और हम कभी बोलते हैं हाँ बच गए कि अभी स्कूल से निकल गए, है ना. हमारे एक ऐसे सर थे कि हमें डिसिप्लिन करने के लिए ऐसी यहाँ पर पकड़ के ऐसी चोटी काटते थे कि बोलो मत. हम रात भर वो लाल रहता था, लेकिन आज भी हम उस सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया ताकि हमने कुछ सीखा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब आप समझोगे कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है.
प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जब बच्चे हो जाएंगे आपको समझ में आएगा कि मेरे मम्मी पापा ने या फिर मेरे जो टीचर्स ने क्यों मुझे डिसिप्लिन किया. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिसिप्लिन में रहे. पिछले हफ्ते हमने वो सीख को सीखा कि एक शिष्य, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं, तो यीशु मसीह के जब शिष्य बनते हैं तो उसका जो कैरेक्टर है हमारे अंदर आना जरूरी है. वी नीड टू बिल्ड हिज कैरेक्टर इन अस एंड होली स्पिरिट विल हेल्प अस. प्रेज गॉड. एंड गॉड हैज गिवन अस हिज वर्ड, उसका वचन दिया है. ये वचन क्या है हमारे लिए? रोटी है. क्या है? ब्रेड है. ये वचन को हमें ब्रेक करना है. वचन को ऐसे ही ना ले, वचन को एक फॉर्मेलिटी के लेना पड़े. जैसे हम रोटी को लेते हैं, हम रोटी पूरी रोटी ऐसे नहीं खाते, है ना. क्या करते हैं? पहले रोटी को तोड़ते हैं, फिर रोटी को मुंह के अंदर रखते हैं, फिर चबाते हैं. कभी कभी रोटी को सब्जी के अंदर लेके, है ना, वो कितना अच्छा लगता है. यदि सब्जी अच्छी है तो रोटी में स्वाद नहीं होगा, लेकिन सब्जी के कारण क्या हो जाता है? रोटी स्वादिष्ट हो जाता है. तो इसीलिए ये जो है एक रोटी है, हमें खाना है. वी हैव टू ईट इट, राइट. और ईटिंग करने के लिए चबाना है, चबा के हमें अंदर लेना है, हमें डाइजेस्ट करना है, फिर जाके रोटी के अंदर जो भी है ना न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर के चारों ओर जाएगी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो परमेश्वर का वचन एक रोटी है, हालेलुया. और आज हम यहाँ पर बैठे हैं, वी आर ऑल सीटेड हियर. डोंट लुक एट मी, लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सन स्टैंडिंग हियर. ये परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर का वचन आदि में था, वो अंत में भी रहेगा. इट वॉज इन द बिगिनिंग, इट विल बी टिल द एंड. हालेलुया. मनुष्य का वचन कभी स्थायी नहीं रहता, पर परमेश्वर का वचन हमेशा स्थायी रहता है. इट इज परमानेंट. वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी आवर रेफ्यूज. हालेलुया. आप यदि मुश्किल से भी गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन यदि आप में है तो उस मुश्किल में भी परमेश्वर आपको मदद करेगा. और जब आप उस मुश्किल के उस पार आ जाएंगे तो आज जैसे संदीप ब्रदर ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, वैसा एक्सप्रेशन आप भी करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. आप गवाही देंगे. हालेलुया. और आपकी गवाही लोगों की जिंदगी को बदल सकता है. प्रेज द लॉर्ड. तो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि एक शिष्य को ऑफेंस लेना नहीं चाहिए, है ना. ऑफेंस, द्वेष में आना नहीं चाहिए. ये हमें सिखाना है अपने आप को. ताड़नाएं आएगी, लोग हमको बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस वी शुड नॉट टेक एनी ऑफेंस, बिकॉज ऑफेंस इज अ प्लान ऑफ द एनिमी. वो शैतान की एक चाल है कि हम गुस्से में आ जाए, हम लोगों को माफ ना करें, हम लोगों को हमेशा द्वेष से देखे. ये शैतान का प्लान है. लेकिन परमेश्वर का क्या प्लान है? कि परमेश्वर चाहता है कि हम ऑफेंस ना ले और हम लोगों को प्यार से, आमेन, परमेश्वर के प्यार से हम रिस्पॉन्ड करें. शायद लोगों ने हमारे खिलाफ बुरा बर्ताव किया होगा. यदि हम उस द्वेष में रहे, ऑफेंस में रहे, तो हमारे अंदर जो आग है वो हमें ही ज़्यादा बर्बाद करता है ना. जो जहर है, चूहे मारने का जहर, चूहा खाना जरूरी है. यदि हम उसे खाएंगे तो हमारा भी हाल उस चूहे जैसा होगा. प्रेज द लॉर्ड. तो ये जो ऑफेंस है इज लाइक अ रैट पॉइजन. ये रैट को पॉइजन देना है तो रैट को खाना जरूरी है. यदि हम खाएंगे तो किसको मुश्किल होगी? हमें ही मुश्किल होगी. सो नो ऑफेंस. ठीक है, पहला चीज है कि कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति में ट्राई करें. पर्सनल ट्रेनर बोल रहा है पहले ये भार उठाए. पहला दिन लगेगा कि बहुत भारी है, नहीं कर सकता. दूसरा दिन भी आप क्या कर रहे हैं? गिव अप नहीं कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं. तीन दिन, शायद दो तीन हफ्ते लग जाएं आपको वो एक्सरसाइज करने में. प्रेज द लॉर्ड. इसी प्रकार ये जो वचन है, वचन में पहला दिन चलना मुश्किल होगा. इट विल बी डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई, है ना. आई विल कीप दिस वर्ड हिडन इन माई हार्ट. आई विल कीप दिस वर्ड हिडन इन माई हार्ट सो दैट जब इसकी जरूरत है तो मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े, दूसरों को लोग को कॉल करके अब मेरे लिए प्रार्थना करो नहीं करना पड़े. क्योंकि वचन किसके अंदर है? मेरे अंदर है. और वचन मेरे अंदर यदि है तो इस वचन को यदि मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझे खुद को अंदर देखना होगा. परमेश्वर की उस उपस्थिति में आके, उस वचन में खड़े होके मुझे आगे बढ़ना होगा. प्रेज द लॉर्ड. तो पहला हमने वो सीखा. आज दूसरी, जो भी जितने भी समय हमें बाकी है, हम देखेंगे डिसिप्लिन में आने के लिए हमारे हृदय को तैयार करना बहुत जरूरी है ना. तो ऑफेंस को नहीं करना है तो हृदय को तैयार करना है. क्योंकि ऑफेंस सबसे पहले हमारे मन में नहीं होता, हमारे जुबान में नहीं होता, या फिर हमारे कोई शरीर के कोई अंग में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? हृदय. इट इज इन द हार्ट वेयर द ऑफेंस टेक्स बर्थ. आमेन. इट इज इन द हार्ट दैट ऑफेंस टेक्स बर्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और जैसे ही ऑफेंस कैसा है कि जैसे हमने मेरे जब मैं ओडिशा में था, 17 साल मैंने ओडिशा में बिताया है. ओडिशा में मैं जिस घर में रहता था वहाँ पे आजकल नहीं है, लेकिन वहाँ पे चूहों की काफ़ी ना प्रॉब्लम थी. चूहा हर जगह देखो, चूहा. रात को सोते यहाँ वहाँ आवाज़ आता था, चूहा घूम रहा है.
तो हम क्या करते थे, रैट को पकड़ने के लिए, चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप रखते थे, है ना, एक चूहा को पकड़ने का एक बक्सा होता था और उस बक्से में एक चीज रखते थे, क्या रखते थे, मक्खन, है ना, मक्खन रखते, क्योंकि मक्खन चूहा बहुत पसंद करता है, है ना, तो मक्खन रखते थे, ट्रैप में रखते थे और ट्रैप के दरवाजे को एक स्टिक से हम लोग बंद करते थे, मक्खन को वहां रखते थे, जैसे ही वो मक्खन खाएगा वो स्टिक हट जाएगा, ट्रैप बंद हो जाएगा। तो ये जो ऑफेंस है, ये शैतान हमारे जीवन में एक मक्खन की तरह रखता है, क्योंकि जब हम ऑफेंस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, है ना, हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये उस समय हमें अच्छा लगेगा, हाँ मेरे को गुस्सा करना, मुझे उसे बोलना है, लेकिन बाद में क्या होता है, हम उस चूहे की तरह कहाँ फंस जाते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हम एकदम जकड़न में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे हृदय को तैयार करेगा, वो है कमिटमेंट के बारे में। किसके बारे में, कमिटमेंट, ना कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता, है ना, हमारा एक प्रतिबद्धता होना चाहिए, परमेश्वर वो चाहता है। सो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन अ लाइफ ऑफ ए डिसाइपल। यदि ऐसे डिसाइपल आपको ग्रो करना है, एक शिष्य बन के आपको अनुशासन में चलना है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और कमिटमेंट सिर्फ चर्च में ही नहीं बोला जाता, यदि आप जाएंगे कहीं भी, है ना, आपके काम के इलाके में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं, है ना, कि आपको कैसा अच्छा एम्प्लॉय बनना है, तो उनका उसके उनके उस पावर पॉइंट स्लाइड्स में एक चीज हमेशा रहता है, वो है कमिटमेंट। और लोग इंटरव्यू करते हैं, वो आपको कमिटमेंट में टेस्ट करते हैं कि आपका कमिटमेंट कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, क्या ये कुछ क्षणों में ये कमिटेड रहेगा क्या। वो आपके रिज्यूमे देखते हैं, आप एक कंपनी में कितने साल रहे, यदि आप बार बार कंपनी बदल रहे हैं, दैट मीन्स आई आर नॉट कमिटेड, राइट। सो आई एम नॉट going to accuse anyone that if you are leaving company, you may be going through your situation. मैं यहाँ पर वो बताने के लिए नहीं हुआ, लेकिन commitment जो है वो दुनिया में, आज की दुनिया में ये बहुत ही common word है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें सिखाता है, praise the Lord। और यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते हमें यीशु मसीह के उस स्वभाव को हमारे अंदर लेना है, और यीशु मसीह was committed, amen। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, आप बोलेंगे उसको कमिटमेंट की क्या जरूरत थी, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जरूर था, लेकिन वो शरीर में था, कहां था, शरीर में, उसने वो सब कुछ सहा जो आज हम सहते हैं, उसको कुछ स्पेशल पावर परमेश्वर ने नहीं दिया था, वो 100% गॉड था, 100% क्या था, ह्यूमन था, उसने भी वही कुछ सहा जो आज हम हमारे दर रोज सहते हैं। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर जाने को था, वो भी काफी प्रॉब्लम से गुजरा, नो वी नो इन द गार्डन ऑफ गेथसेमने नाइट बिफोर ही वाज अरेस्टेड ही वेंट थ्रू अ सो मच ऑफ स्ट्रगल ही क्राइड अनटू द लॉर्ड आमेन उसका जो स्वेट है एकदम लहू के समान बहने लग गया प्रेज गॉड ही वेंट थ्रू दैट स्ट्रगल ही हैड टू टेक अ स्टेप ऑफ कमिटमेंट एंड ही फाइनली सेड नो नॉट माय विल बट योर विल बी डन कमिटमेंट इज नॉट ऑलवेज आवर विल ठीक है सबसे पहला चीज कमिटमेंट इज नॉट ऑलवेज आवर विल यदि हम हमेशा हमारी इच्छा दैट इज नॉट कमिटमेंट कमिटमेंट वो है जब सिर्फ आपकी इच्छा नहीं बल्कि उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं आमेन टू फुलफिल गॉड्स विल इन योर लाइफ यू आर टेकिंग ए स्टेप इट मे नॉट बी लुकिंग वेरी गुड in the present but because it is God's will you are taking that step you are committed in the Lord amen hallelujah so commitment ek foundation hai jo hame build karna hai amen to commitment hum seekh sakte hain kya kar sakte hain seekh sakte hain commitment aisa nahi hai ki parmeshwar hame daan mein deta hai commitment humko grow karna hai kya karna hai grow karna sab bolo grow karna hai right aap grow kar sakte hain amen yadi aaj aap lag rahe hain ki aapka jeevan ऐसा नहीं दिख रहा कि आप कमिटेड हैं तो मुझे आपको एक होप देना है एक आशा देना है कि यू कैन ग्रो योर कमिटमेंट राइट इफ यू स्टे क्लोज टू जीसस यू विल ग्रो आमेन क्योंकि यीशु के पास रह के कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं लिखला जो बदला नहीं आमेन यदि यीशु किसी के पास है हालेलुया तो उसका लाइफ बदलेगा आमेन कह सकते हैं आमेन हालेलुया ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु नहीं बदल सकता यीशु से कुछ भी बात असंभव नहीं है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशु मसीह कमिटमेंट के बारे में सिखाता है हम लूका रचित सुसमाचार लूक द गॉस्पल ऑफ लूक में जाएंगे वी विल गो टू द गॉस्पल ऑफ लूक हिंदी इज ओके फॉर एवरीवन या आई विल ट्राई टू से इन इंग्लिश एज वेल बट या लूक चैप्टर 14
लुका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 से 30 तक के वचन मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में. एंड हूएवर, लूक चैप्टर 14 वर्स 27 टू 30, एंड हूएवर डज नॉट कैरी देयर क्रॉस एंड फॉलो मी कैन नॉट बी माय डिसाइपल. राइट, सबसे पहला वचन क्या बोल रहा है, जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता. हालेलुया. क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना एक कमिटमेंट है. आमेन. ये एक ट्रेडिशन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है. क्योंकि यदि ये ट्रेडिशन रहता तो हम कुछ कर सकते थे और हम बोल सकते थे कि मैं क्रूस उठा रहा हूँ. राइट, जैसे क्योंकि रिलीजन में काफी ट्रेडिशन रहता है कि कोई पर्व आया तो हमें ये करना है. राइट, कुछ कुछ चीजें करना है और हम बोल सकते हैं हमने ये किया, दैट मीन्स हमने ट्रेडिशन फॉलो किया. लेकिन ये जो चीज है क्रूस उठाना, राइट, ऐसी क्रूस है जो सबको हमें दिखती भी नहीं. हमारे जीवन में ऐसी क्रूस होती है जो हमें दिखेगी नहीं, जो हम कभी नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने क्रूस उठाया. ये दर रोज का जब कमिटमेंट आता है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, तो हम अपना क्रूस, आपका क्रूस कुछ भी हो सकता है. शायद ये आपका टेम्पटेशन होगा, आमेन. शायद ये आपकी एक कमी होगी, शायद ये आपका एक प्राइड होगा, एक घमंड होगा जो आपके अंदर है. लेकिन व्हाट यू आर डूइंग दैट आई एम कैरिंग माय क्रॉस एंड आई एम नॉट फॉलोइंग एवरीवन और एनीवन, आई एम फॉलोइंग होम जीसस. और यदि मैं ऐसा करता हूं तो मैं क्या होऊंगा, यीशु मसीह का शिष्य कहलाऊंगा. आमेन, हालेलुया. पहला चीज. दूसरा वचन जो 28, सपोज क्या बोल रहा है, सपोज वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू बिल्ड अ टावर, वॉन्ट यू फर्स्ट सिट डाउन एंड एस्टिमेट द कॉस्ट टू सी इफ यू हैव एनफ मनी टू कंप्लीट इट, फॉर इफ यू ले द फाउंडेशन एंड आर नॉट एबल टू फिनिश इट, एवरीवन हु सीज इट विल रिडिक्यूल यू सेइंग दिस पर्सन बिगैन टू बिल्ड एंड वॉजंट एबल टू फिनिश. आमेन. आपको एक घर बनाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है. सबसे पहले फाउंडेशन डालने से पहले सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे, आप उसका कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, है कि नहीं, कि अभी मुझे घर बनाना है, शायद एक तल्ला है ना घर बनाना, भवन बनाना है, तो आप पहले जाके मार्केट में खोजेंगे कि मटेरियल्स का कितना कॉस्ट है, मेरे पास कितना है, क्या ये बजट से मैं घर बनाना शुरू कर सकता हूँ. आप ये करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, दिमाग दिया है, साउंड माइंड दिया है. क्योंकि आपके फेथ तो जरूरी है, लेकिन आप यदि घर को कंप्लीट करना चाहते हैं, कमिटमेंट क्या दिखाता है कि यू आर कमिंग टू द लॉर्ड एंड सीकिंग दैट यस आई वांट टू बिल्ड दिस हाउस, इट इज योर डिसीजन. आप पूरा एस्टिमेट कर रहे हैं कि हाँ ये सब है, मैं ये सब तैयार करूंगा और फिर मैं फाउंडेशन ले करूंगा और मैं ये घर को खत्म करूंगा. आमेन. ये आपका एक कमिटमेंट रहता है जब आप ये शुरू करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हम आज क्या है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड. हालेलुया. We need to build ourselves as well, relying on God. Amen. Hallelujah. जब हम एक व्यक्ति से एक शिष्य बनते हैं, Hallelujah. हमें कुछ कुछ कमिटमेंट हमारे जीवन में लेना है कि मुझे ये, मैं ये कमिटमेंट ले रहा हूं क्योंकि जब मैं इस घर को बना रहा हूं, कौन देख रहा है, दुनिया देख रही है. क्योंकि आप यदि घर बनाना शुरू करें, आपने नींव बांध ली, फाउंडेशन बांध लिया, लेकिन अभी आपके पास क्या है, पैसा नहीं है, जमीन है, जमीन में आपने फाउंडेशन बांध दिया है. कितने सारे घर मैंने देखे हैं कि फाउंडेशन बांध के सालों साल फिर मरम्मत नहीं होती. क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है. राइट. और लोग क्या करते हैं, तब ताने मारते हैं. कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रभु में आते हैं, हम फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं, लेकिन फिर हम बाकी बिल्ड करना क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं. राइट. सो ये एक अच्छा गवाह नहीं है. वी आर नॉट विटनेसिंग द गॉड हु हैज कॉल्ड अस आउट इन अ राइट मैनर. ठीक है. क्योंकि जब ये भवन बन रहा है, कौन देख रहा है, दुनिया देख रहा है. और इस भवन को देख के शायद दुनिया भी उस मरम्मत करने वाले को जान पाए. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि ये जो भवन है, यदि अच्छा बनता है तो किसको महिमा मिलता है, परमेश्वर को. क्योंकि जो कमिटमेंट मैंने किया है, ये मुझ में नहीं किया है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया है, किसके साथ किया है, परमेश्वर के साथ किया है. कि परमेश्वर, हाँ, I have started this journey with you and I'm going to complete it. I have started running this race of faith and I will finish this race. Hallelujah. Just like Apostle Paul, Paulus ki tarah, yes, I have finished this race of faith. Hallelujah. Hum keh sake, ye hum sab ka ek commitment hona zaruri hai. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. You know, कई बार जब शादी होती है, right? Arrange marriage होते हैं, love marriage होते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ. Marriage is the institution of God. Amen. Hallelujah. Marriage is holy. Praise God. And there it is instituted by God. क्योंकि आदम और हव्वा की पहली शादी किसने की थी? परमेश्वर ने की थी. ये परमेश्वर की इच्छा है. It is not good for man to be alone. Amen. Hallelujah. जब marriage होता है, marriage के vows पढ़े जाते हैं, कभी भी जो marriage करते हैं, जो सेवक हैं, वो ये नहीं बोलते कि you are getting a personal helper or you are getting a personal cook or you are getting someone who will wash your clothes, right? क्या बोलते हैं? You are getting a wife who is going to be your helper. Hallelujah. Same darja. Amen. Marriage is not an institution जहाँ पे एक superior है, एक inferior है. नहीं. Praise the Lord. परमेश्वर मैरिज को इक्वालिटी में स्थापित करता है. यस, देयर इज अ हेड, राइट? लेकिन यहां पर दोनों को एक दूसरे से क्या करना है? प्यार करना है और एक दूसरे को इज्जत देना है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कई बार लोग शादी करते हैं, हाँ मुझे खाना नहीं बन रहा है, मैं हर दिन भूखा सो रहा हूं, तो मुझे शादी करना है. कोई आएगी और क्या पकाएगी? खाना बनाएगी मेरे लिए. आमेन. तो कई बार हम अपने जीवन में पत्नी को इसीलिए लेते हैं कि हाँ वो खाना बनाएगी, मेरे कपड़े धोएगी ना. लेकिन पत्नी जो है वो एक पर्सन है. क्या है? एक व्यक्ति है. आमेन. लेकिन हम इस व्यक्ति के अंदर कई कंपार्टमेंट बना दिए. हाँ कुक है ना, एक लॉन्ड्री है, राइट? हाँ कभी कभी मैं जब एकदम निराशा में रहूंगा तो ये आके मेरे को मोटिवेट करेगी, है ना. हम ऐसे दर्जा यदि दे जाते हैं तो हम उस पर्सन को नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम सेल्फिश होके उस पर्सन के एक बेनिफिट को ले रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. कई बार हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा करते हैं कि नहीं? परमेश्वर, हम सभी अच्छी चीजों को जो मेरे लिए अच्छा है मैं लूंगा, लेकिन कुछ हार्ड टीचिंग्स जब आ गई, नहीं परमेश्वर ये मेरे लिए नहीं, मैं बस इतना ही हूं, है ना. ये सेम चीज किसके साथ हुआ था? यीशु मसीह जब इस धरती में था, ही टॉट, आई मीन वो चमत्कार किया. 5 रोटी और 2 मछली को कितने लोगों को खिलाया? 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया. लोगों ने ये चमत्कार देखा, दे सॉ दिस मिरेकल एंड दे वांटेड टू मेक जीसस द किंग. क्या करना चाहते थे? यीशु को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि ऐसा राजा यदि बन गया जो 5 रोटी 2 मछली से इतने लोगों को खिलाएगा, तो हमें तो काम करने की जरूरत नहीं है, मस्ती ही मस्ती है. आमेन. ऐसा सोचे, हाँ अभी हम यीशु को राजा बनाएंगे. लेकिन यीशु राजगद्दी पाने के लिए उनके सामने नहीं रुका. वचन कहती है कि वो चला गया. कहाँ चला गया? माउंटेन्स पे चला गया. किसके साथ? परमेश्वर पिता से प्रार्थना, क्योंकि उसका उद्देश्य राजा बनना नहीं था जो लोगों को चमत्कार दे. हालेलुया, आमेन. इसीलिए वो चमत्कार के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन फिर उसने क्या दिया? हार्ड टीचिंग्स. ऐसा टीचिंग दिया कि एक एक लोग क्या चले गए? वापस चले गए. शिष्य बनना मुश्किल है. हालेलुया. शिष्य बनना मुश्किल है. जहां पर वचन की सेवकाई होती है वहां पर काफी कुर्सी खाली होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई उन पर दोष लगाए. सब कहना चाहते, हाँ मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो, हाँ मैंने ये किया, मेरा ये है वो है. परमेश्वर उनके जीवन में कम हो जाता है और वो उनका मैं ज़्यादा हो जाता है. हाँ मैं अपने पर्सनालिटी को बदलूंगा, मैं ये करूँगा, हाँ मुझ में कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बढ़ाना है, मैं करूँगा, मैं इन लोगों के साथ रिश्ता रखूँगा. वहाँ पर गॉड नहीं रहता, जहाँ पर हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे और हम खुद बदल जाएंगे. आमेन. लेकिन ये हार्ड टीचिंग्स जब यीशु ने किया, एक एक करके चले गए, आखिर में कितने लोग बचे पता है? 12 लोग. और 12 लोगों को देखकर भी यीशु ने क्या कहा? देखो दरवाजा इधर है, आप भी जा सकते हो. आमेन. हमारा यीशु किसी को खुश करने के लिए या फिर उनको मसाज करने के लिए नहीं बुलाता. हालेलुया, आमेन. हालेलुया. मसाज करने वाला प्रभु नहीं है हमारा यीशु मसीह. हालेलुया. वो हमें एक ऐसे पर्सनल ट्रेनर कहेगा कि भार उठाओ. हालेलुया. आज नहीं उठा पाए, मैंने पवित्र आत्मा दिया है, उसके साथ बैठो और ये वचन को लो अपने जीवन में. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, आमेन. शिष्य ही थे जो उसके साथ रह पाए. प्रेज द लॉर्ड. वी आर द डिसाइपल्स. हालेलुया. नो, कई बार हम परमेश्वर, हम कहते हैं कि हाँ कमिटेड हैं, लेकिन कई जगह पर वो कमिटमेंट फॉल्स होता है. पता है क्या? कमिटमेंट फॉल्स होता है. मैंने एक स्टोरी सुनी है. एक मोहल्ले में एक लड़का और एक लड़की रहते थे, बच्चे थे, लड़का लड़की. लड़के के पास काफ़ी मार्बल्स थे. मार्बल्स पता है क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? कंचा, है ना. बहुत सारे कंचा मार्बल्स. हम सब ने बचपन में कंचा खेला होगा. प्रेज द लॉर्ड. मैंने नहीं खेला, लेकिन भाई बंसन भैया बहुत मस्त खेलते थे.
बेंसन भैया ऐसे खेलते थे कि मतलब दूर से ही कंचा ऐसा मारते थे कि आज भी मैं सोचता हूँ कि जो कंचा मारा था आज परमेश्वर के वचन को फैला रहा है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. एक लड़के के पास काफ़ी मार्बल्स थे, बहुत कलेक्शन था, अलग अलग रंग के खूबसूरत मार्बल्स, चमकने वाले मार्बल्स, है ना. बहुत बहुत खुशी होती है जब मार्बल्स का कलेक्शन होता है. हम दोस्तों को बोलते हैं, अरे मेरे पास ऐसा है ऐसा है. एक लड़के के पास ऐसा था. उसी मोहल्ले में एक लड़की थी, उसके पास काफ़ी तरीके के चॉकलेट्स रहते थे, है ना काफ़ी तरीके के चॉकलेट्स. तो एक लड़के के पास काफ़ी चॉकलेट्स, एक लड़के के पास क्या था, काफ़ी मार्बल्स थे. लड़की ने उस मार्बल्स को देखा और बोला, मुझे वो मार्बल्स चाहिए. तो उसने लड़के को बोला, यदि तुम अपने मार्बल्स, सारे मार्बल्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें सारे चॉकलेट्स दूंगा. आमेन. बहुत अच्छा ऑफर है कि नहीं? मार्बल्स के बदले क्या मिल रहा है? चॉकलेट्स. हर बच्चे का एक पसंद होता है चॉकलेट. कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो चॉकलेट्स पसंद नहीं करता. उसको चॉकलेट्स पसंद थे, लेकिन उसको क्या देना है? अभी सारे मार्बल्स, तभी चॉकलेट्स मिलेगा. तो उसने तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं रात को जाके सोचता हूँ, फिर कल बताऊँगा. रात को जाके सोचा उसने, ठीक है. उसके सपने में क्या आया? मार्बल चॉकलेट्स. मार्बल भी नहीं छोड़ना चाहता, चॉकलेट भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मार्बल जब तक नहीं दिया, चॉकलेट नहीं मिलेगी, विल नॉट गेट द चॉकलेट. तो उसने क्या किया, रात में सोते सोते 5 बजे उठ गया और उसने क्या किया, अपने मार्बल का बक्सा लिया, उसमें से उसका जब सबसे फेवरेट मार्बल्स थे, जो बोलता था मैं इसके बिना जी नहीं सकता, उसने उसको चुना और अपने तकिए के नीचे छिपा दिया, सबसे अच्छे मार्बल्स. और बोला, बाकी हाँ ये ठीक है, ये चले भी जाए तो अच्छा है. और क्या किया, जैसे ही सवेरा हुआ, वो बाकी के मार्बल्स को लेके किसके पास गया? ही वेंट टू द गर्ल. गर्ल्स आर रियल फेथफुल समटाइम्स, है ना. उसने कोई चॉकलेट नहीं छिपाया. गर्ल ने क्या किया, आई मीन तो बोलो कोई सिस्टर. तो गर्ल्स ने क्या किया, आई एम ऑल्सो विथ यू बॉयस, या प्रेज द लॉर्ड. गर्ल ने क्या किया, उसने सारा चॉकलेट दे दिया और इसका सारा मार्बल ले लिया. आई मीन राइट. ये चॉकलेट लेके लड़का घर गया. उस रात उसको नींद नहीं आई, पता है क्या, नींद नहीं आई. चॉकलेट खाया लेकिन नींद नहीं आ रही. आपको लगेगा शायद उसके अंदर गिल्ट आया होगा, है ना. उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, देखो उसने तो सारा चॉकलेट दे दिया, मैंने कितना गंदा काम किया. आपको लग रहा होगा इसीलिए नींद नहीं, उसको उस वजह से नींद नहीं आई. मतलब वजह वो नहीं थी, वजह यही थी जब वो सो रहा था उसके मन में क्या सोच है, क्या उसने मुझे सारे चॉकलेट दिए? शायद उसने भी ऐसे ही किया होगा जैसे मैंने किया, सारे चॉकलेट्स, शायद उसने भी अच्छे अच्छे चॉकलेट्स हटा के, उस कारण उस सोच में वो पड़ गया, उसको नींद नहीं आई. हमें हमारे जीवन भी परमेश्वर के साथ जो कमिटमेंट का जीवन रहता है, इस प्रकार रहता है. कुछ कुछ चीज़ों को हमने तकिए के अंदर छुपा के रखा है, कोई नहीं जानता. आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस बिहेवियर एडिक्शन, कोई नहीं जानता. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. तकिए के नीचे है, जब चाहिए तकिया हटाएंगे, एंजॉय करेंगे, राइट. और हम फिर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं. फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, फिर हम बोलते हैं शायद परमेश्वर ने नहीं दिया, ये मेरे लिए नहीं दिया, बाकी सबके लिए दिया. देखो उसको हीलिंग मिल रहा है, अरे वो ब्रदर तो नहीं, आज प्रमोशन पे प्रमोशन, मुझे नहीं मिल रहा, शायद इसीलिए नहीं मिल रहा. हालेलुया, हम बोलते हैं, राइट. कमिटमेंट शुड बी 100%, राइट. यदि आप 100% नहीं दे रहे हैं तो आपके अंदर एक गिल्ट होगा कि मुझे 100% मिलेगा भी नहीं. आमेन, राइट. दैट इज कमिटमेंट. एंड आज का जो टाइटल है वो स्केल ऑफ कमिटमेंट. यू नो, एज अ कोच, अभी मैं कोचिंग करता हूँ, तो क्लाइंट्स से जो भी एक सवाल लास्ट में, जो भी वो जब गोल सेट करते हैं, दे सेट गोल्स, तो एक सवाल बहुत ज़रूरी है कोच को पूछना. और मैं पूछता हूँ कि वॉट इज योर स्केल ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम 1 to 10 दैट यू विल कम्प्लीट दिस एज यू सेट. क्लाइंट्स क्या बोलते हैं कभी कभी, जब भी मैं सुन लिया कि 9, दैट मीन्स गड़बड़ है. यदि कमिटमेंट 9 में है, गड़बड़. 8 बहुत गड़बड़. 7 मतलब बहुत ही गड़बड़. जब बोलते हैं 7, 8, नेक्स्ट सवाल होता है कि वो क्या चीज है जो आपको करना होगा ताकि ये कमिटमेंट 7 से 10 हो जाए. तब फिर वो सोचने लगते हैं, क्या है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है, मुझे वहां तक तो पहुंचना है लेकिन रस्ते में मुझे और भी कुछ करने हैं. हमने काफी गोल सेट किया है लेकिन उस गोल्स तक पहुंचने के लिए बीच में रास्ता भी गुजारना है ना. उस रास्ते में काफी माइलस्टोन्स हैं, शायद वो माइलस्टोन पार करके ही मेरा कमिटमेंट 10 होगा. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स करना जरूरी है एज अ डिसाइपल. आमेन. आप परमेश्वर का वचन ले रहे हैं,
तो आपको भी अपना जीवन को एक जर्नी जैसा देखना है. Praise the Lord. And you have to be committed in everything that you decide with the Lord. Don't give 90%. Give 100%. Because if it is not 100%, what you will receive is not going to be 100%. Not because God is not going to give you 100%. Because you are carrying this thought that because I did not give 100%, I should also not get 100%. Amen. Hallelujah. So commitment, sab kuch dena hai. Kya dena hai? Sab kuch. जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, ये मेरा सैटरडे संडे का उद्धारकर्ता नहीं है. राइट? संडे को 10 से 12 का उद्धारकर्ता नहीं है. आमेन. मेरे जिंदगी में 24 घंटे 7 दिन हर समय हर पल का वो मेरा राजा है. हालेलुया. जब मैं काम में जाता हूं, दोस्तों से बात करता हूं, मेरा राजा कौन है? यीशु मसीह है. मैं किस तरह से बात करता हूं, मेरा राजा कौन है? यीशु मसीह है. हालेलुया. हमने कई कई मास्क पहने हैं. मेरे दोस्तों के सामने एक मास्क, चर्च के लोगों के सामने एक मास्क, पास्टर के सामने एक मास्क, अपने घर वालों के सामने एक मास्क. हालेलुया. हालेलुया. ये मास्क सारे उतार के एक मास्क में आना है, और वो मास्क है परमेश्वर का वो इमेज जिसमें उसने हमें बनाया है. हालेलुया. उसने अपने हाथों से हमें बुना है. माँ की कोक में उसने अपने हाथों से मुझे बुना है. मैं ये सोच के तो मैं हिल जाता हूं. प्रेज द लॉर्ड. उसके फिंगरप्रिंट्स किसके ऊपर है पता है? हमारे ऊपर है. जब टेलर बनाता है उसका फिंगरप्रिंट्स छोड़ता है, लेकिन हम उस फिंगरप्रिंट्स का क्या कर रहे हैं? आमेन. आर वी कमिटेड? इज माई स्केल ऑफ कमिटमेंट 100%? प्रेज द लॉर्ड. एक और वचन पढ़ेंगे यीशु मसीह के जीवन से. यीशु मसीह के बाद एक धनवान जवान व्यक्ति आया और उसका सवाल है, व्हाट मस्ट आई डू सो दैट आई विल इनहेरिट इटर्नल लाइफ? मुझे क्या करना है ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं? आमेन. यीशु मसीह ने उसको देख के बोला, पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो सवाल पूछने से पहले उस व्यक्ति ने कहा, गुड टीचर. क्या बोला? गुड टीचर, व्हाट मस्ट आई डू सो दैट आई विल इनहेरिट इटर्नल लाइफ? सबसे पहले उसने पूछा, तुम मुझे गुड क्यों बोल रहे हो? गुड तो सिर्फ गॉड है. आमेन. गुड कौन होता है? गॉड है. तुम मुझे गुड क्यों बोल रहे हो? कई बार हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, हम होलो वर्ड्स, सिर्फ अपने मुंह से कुछ कुछ होलो चीज जो खोखले होते हैं, उन बातों को कह के परमेश्वर के पास आते हैं. हमारी प्रार्थना कई बार खोखली होती है. हम अपनी प्रार्थना में बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन उस वर्ड्स के पीछे एक कमिटमेंट नहीं रहता, एक मीनिंग नहीं रहता. ये व्यक्ति भी वैसा था. ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, रिच था, धनवान था. यीशु के पास आके बोल रहा है, गुड टीचर, व्हाट मस्ट आई डू सो दैट आई विल इनहेरिट इटर्नल लाइफ? बोल रहा है, ये एक ज्यू है, यहूदी व्यक्ति है, इसको सब कुछ पता है, बाइबल अच्छे तरीके से पता है. उस समय बाइबल नहीं था, वो जो तोरा था सब अच्छे से पता है, लॉस पता है, सब 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 टीचिंग्स पता है. वो बोलता है, यू नो द कमेंडमेंट्स, तुम्हें सारा कमेंडमेंट्स पता है. सबसे पहला कमेंडमेंट क्या बोला? डू नॉट कमिट अडल्ट्री, डू नॉट मर्डर, डू नॉट स्टील, डू नॉट बेयर फॉल्स विटनेस, ऑनर योर फादर एंड मदर. कितने कितने कमेंडमेंट जीसस ने बोले? 5, है ना? उस समय 10 कमेंडमेंट्स हुआ करते थे, 5 कमेंडमेंट्स आज भी है, लेकिन उस समय ज्यादा 10 कमेंडमेंट्स है. यीशु ने उस 10 कमेंडमेंट को 2 कमेंडमेंट में डाल दिया कि लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ. उस 10 कमेंडमेंट को 2 कमेंडमेंट में डाल दिया. आमेन. क्योंकि यदि देखा जाए तो पहला 4 कमेंडमेंट किसके बारे में है? परमेश्वर को, परमेश्वर के बारे में है, परमेश्वर के साथ मेरा कैसा रिश्ता है. लेकिन बाकी के जितने भी कमेंडमेंट्स हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ मेरा कैसा रिश्ता है उसके बारे में है. सो लव योर नेबर. जब यीशु मसीह ने 5 कमेंडमेंट रखा, एक कमेंडमेंट छोड़ दिया. कौन सा कमेंडमेंट छोड़ दिया? 10वां कमेंडमेंट कि डू नॉट कवेट द प्रॉपर्टी ऑफ योर नेबर. वो यीशु मसीह ने इस वचन में नहीं बोला. आमेन. 5 कमेंडमेंट, वो कमेंडमेंट बोला क्योंकि यीशु को पता था कि ये व्यक्ति कमेंडमेंट फॉलो कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है कि मुझे करना है और मुझे इटर्नल लाइफ पाना है, उसके मन में था. यीशु मसीह जब हमसे बात करता है तो हमारे हृदय को देख के बात करता है. हम जब लोगों से बात करते हैं, हम चेहरे को देख के बात करते हैं.
लाइक जो लोग बोलेंगे हम विश्वास कर लेंगे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह से यदि हम बात करते हैं, उसके जो नज़र है हमारी कहाँ जाती है? हृदय में जाती है। वो हमारा आदि जानता है, वो हमारा अंत भी जानता है। 5 कमांडमेंट बोला, 1 कमांडमेंट नहीं बोला। कवेटनेस, जो एक एक द्रव्याग्रह दूसरों का कवेटनेस यीशु मसीह ने नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि कहीं तो गड़बड़ है। आमेन। ये काफी धनवान है, इसको एक चीज की कमी है, वो था कवेटसनेस, राइट? तो जैसे यीशु ने बोला हाँ ये तो मैं जब से लड़का था मैं हमेशा ये करता था। यीशु मसीह को भी पता है कि ये करता था। आगे यस, हाँ, वन थिंग यू स्टिल लैक। कितना कमेंडमेंट्स बोला? 5। एक कमेंडमेंट नहीं बोला, राइट? वो था कवेटसनेस का। वन थिंग यू लैक, अभी उस कमैंडमेंट को यदि चेक करना है यीशु को, तो वो क्या बोल रहा है? यीशु मसीह एक स्टेटमेंट बोल रहा है, हाँ पढ़ेंगे, सेल ऑल दैट यू हैव एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर एंड यू विल हैव ट्रेजर इन हेवन देन कम फॉलो मी। आमेन। दिस वाज नॉट टोल्ड एज अ कमैंडमेंट टू ऑल ऑफ अस, बट दिस वाज फॉर दैट पर्सन, बिकॉज जीसस न्यू हिज हार्ट, कि उसके मन में क्या प्रॉब्लम है यीशु मसीह को पता था। वो बाकी इसके सारे कमांडमेंट्स फॉलो करता था, एक कमांडमेंट यीशु ने नहीं बोला और वो नहीं करता है, वो है डू नॉट कवेट। उसको धन का एक कवेटसनेस था, धन के प्रति एक प्रिय था, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि इस चीज को यदि तुम्हें जीतना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। आमेन। यदि एक डिसिप्लिन में हमको आना है, वी नीड टू डिसिप्लिन आवरसेल्व्स इन वन एरिया, वी हैव टू डू दैट थिंग। जब तक हम नहीं करेंगे, वी विल नॉट गेन द डिसिप्लिन। आमेन। डिसिप्लिन इज नॉट ऑटोमेटिक, डिसिप्लिन इज समथिंग दैट वी डू एंड देन वी रिसीव द गुडनेस ऑफ इट। आमेन। बेनिफिट ऑफ ए डिसिप्लिन विल नॉट कम अनलेस वी वॉक इन द डिसिप्लिन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सेल एवरीथिंग दैट यू हैव एंड गिव एवरीथिंग टू द पुअर एंड देन यू विल हैव ट्रेजर इन हेवन एंड देन कम फॉलो मी। फॉलो मी भी जरूरी है, राइट? कई बार हम अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमें मोक्ष मिल गया, लेकिन यीशु मसीह को फॉलो करना भी जरूरी है। ये सुनने के बाद क्या किया उसने? 23, हाँ, ही बिकेम वेरी सैड। कई बार डिसिप्लिन के जो वर्ड्स हम सुनते हैं और हम वो कर नहीं पाते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। आमेन। डिसिप्लिन हमें खुशी नहीं देता, और यदि हमें पता है कि हम ये करना बहुत मुश्किल है तो हमें दुख होता है। ये व्यक्ति ने ये सुना और इसके मन में वो चीज थी कि ये तो मैं नहीं कर सकता, वो दुखी होके वो क्या हुआ? चला गया। आमेन। हालेलुया। दिस पर्सन वॉज 90% गुड, है ना? हम यदि 10 कमांडमेंट्स को दो भाग में बांट ले कि 4 कमांडमेंट मेरा और परमेश्वर के साथ रिश्ता और बाकी के 6 कमैंडमेंट मेरा दूसरे व्यक्तियों के साथ, नेबर्स के साथ रिश्ता, उस 6 कमैंडमेंट में 5 कमैंडमेंट वो बचपन से करता था, एक चीज की कमी थी। आमेन। 90% विल नॉट गिव यू व्हाट यू हैव इन जीसस। आमेन। यू मे लूज, इट्स नॉट, आई एम नॉट टेलिंग लीगलिज्म, आमेन, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, बट देन देयर इज अ डिसिप्लिन Which is the posture of our heart, हमारे हृदय का वो posture. यदि हम सही जगह से खुले नहीं है तो हम परमेश्वर उसमें भर नहीं सकता। Hallelujah. यदि परमेश्वर को भरना है आपके जीवन में, आपको एक transformation देखना है आपके जीवन में, आपको एक disciple जैसे आगे बढ़ना है, तो वो commitment हमेशा 100% का होना है। यदि 100% committed नहीं है तो उस जवान की तरह आप भी निराशा होके चले जाएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, खुशी नहीं मिलेगी, निराशा, क्योंकि यू आर स्टिल लैकिंग वन थिंग, वी आर स्टिल लैकिंग वन थिंग। सो वी नीड टू असेस कि वो वन थिंग क्या है। प्रेज द लॉर्ड। यू नो, अगले 10 मिनट जितना भी अभी तक पढ़ा है, यदि भूल भी गए, ये आखिरी के जो कुछ चीजें हैं, 5 चीज अब याद रखना जो आपको कमिटमेंट बढ़ाने में मदद करेगा। आमेन। आप सब मेरे साथ हैं, बैठ सकते हैं मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। ये करने के लिए दो बाइबल के दो कैरेक्टर्स हम देखेंगे, बाइबल के दो कैरेक्टर्स, दो राजाओं की कहानी। आमेन।
दो राजा, इज़राइल के राजा, आमीन, दो राजाओं की कहानी जो पुराने नियम में हम देखते हैं. पहला है दूसरा इतिहास 25 का 1 और 2 पढ़ेंगे. सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 1 एंड 2. सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 1 एंड 2. आई विल रीड इन इंग्लिश. अमज़िया वॉज 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम किंग. अमज़िया करके एक व्यक्ति था, जोजाया का बेटा, 25 साल का था. क्या बना वो? राजा बना. एंड ही रेन्ड इन जेरूसलम 29 ईयर्स. हिज मदर्स नेम वॉज जहोआदान. शी वॉज बॉर्न, शी वॉज फ्रॉम जेरूसलम. वर्स 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही डिड वॉट वॉज राइट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड. अमज़िया 25 साल में राजा बना. कितना साल उसने राज किया? 29 ईयर्स. 25 साल से 29 ईयर्स, 54 ईयर्स तक वो राजा था. वचन 2 में कहता है कि ही डिड वॉट वॉज राइट इन द आईज ऑफ द लॉर्ड. ठीक है, आखिरी भाग, बट नॉट होल हार्टेडली. आमेन. हिंदी में कैसे लिखा है? परंतु खरे मन से ना किया. सब कुछ अच्छा किया लेकिन खरे मन से ना किया. उस नौजवान की तरह, रिच यंग मैन, सब कुछ अच्छा किया लेकिन ही स्टिल लैक्ड वन थिंग इन हिज हार्ट वॉज नॉट राइट. देयर वॉज स्टिल कवेटसनेस. अमज़िया 29 ईयर्स राज किया, यूदा का राजा, नॉर्दर्न किंगडम. हालेलुया. ही डिड एवरीथिंग दैट वॉज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड. आज के जमाने में देखे, हाँ, चर्च जाता है, वर्शिप टीम में है, वचन पढ़ता है, सब पढ़ता है, लेकिन किससे नहीं किया? खरे मन से नहीं किया, होल हार्टेडली, 100% नहीं. आमेन. ये बहुत ही मुश्किल की बात है. पता है, यदि आप 90% दे रहे हैं ना, तो आप उनको सुधारना काफी मुश्किल होता है. यदि आप 50% से भी कम दे रहे हैं, आप में टैलेंट डेवलप नहीं हुआ है, उनको 100% में ले जाना आसान है, मोर देन द पर्सन हु इज ऑलवेज इन 90%. एंड ही नोज दैट, आई विल नॉट गिव 100%, आई विल डू. है ना, कभी कभी काम में ऐसे एम्प्लॉयज रहते हैं, मैं बस उतना ही करूंगा ताकि मेरा अप्रेजल में इतना आए, इससे एक पैसा ज्यादा नहीं, एक पैसा कम नहीं. आमेन. एज अ डिसाइपल, वेयर एवर वी आर प्लेस्ड, गॉड वॉन्ट्स 100%. आमेन. 100% कमिटमेंट. अमज़िया के जैसे नहीं, लेकिन किसके जैसे बनना? दूसरा राजा, आज हमने गाना भी गाया, दाऊद राजा. आमेन. दाऊद राजा के जीवन में देखे, पहला समुएल 13:14, जब दाऊद राजा भी नहीं बना था. फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 13:14 पढ़ेंगे. पहला समुएल 13:14. ये शैमुएल प्रॉफेट शाउल को देख के कह रहा है. जब शाउल ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसको देख के कह रहा है, बट नाउ सॉल योर किंगडम शैल नॉट कंटिन्यू. द लॉर्ड हैज सॉट आउट अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट. परमेश्वर ने ढूंढ लिया है एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय परमेश्वर के हृदय से समान मिलता है. आमेन. अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट. Amen. Hallelujah. दाऊद अभी भी सीन में नहीं है. शाउल ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, डिसोबे किया. प्रोफेटिक वॉइस आ रहा है कि गॉड इज लुकिंग, ऑलरेडी सर्च्ड अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट. ये किसके बारे में है? दाऊद के बारे में. Amen. अमज़िया डिड एवरीथिंग राइट बट नॉट होल हार्टेडली. Amen. डेविड कि जीवन में काफी गलतियां थी. ही मेस्ड अप बिग टाइम. अडल्ट्री, डिसोबीडियंस, बहुत गलती हुई, लेकिन ही वॉज मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट बिकॉज वेन एवर ही फेल ही रिपेंटेड. हालेलुया. देयर वॉज नो 90% फॉर हिम. आइदर इट वॉज 0% और इट वॉज 100%. हालेलुया. बिकॉज हिज ट्रस्ट वॉज इन द लॉर्ड. डेविड वॉज ए कमिटेड किंग. आमेन. And that is the reason we still sing songs of David. Hallelujah. We don't sing songs of Amaziah. Amen. यदि आप 90% दे रहे हैं परमेश्वर के राज में, वो क्या है? जीरो ही है. Everything right, everything doing right, but not wholeheartedly. Amaziah के साथ क्या हुआ हम पता है, लेकिन दाऊद was a man after
God's own heart. Praise the Lord. जो पहला चीज आपको करना है, जो दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं, पहला चीज, whenever there is an opportunity to build commitment, okay? कमिटमेंट को ग्रो करना है. सब अभी भी मेरे साथ हैं. कमिटमेंट को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. कमिटमेंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं? प्रतिबद्धता कैसे ग्रो कर सकते हैं? Whenever there is an opportunity, you should initiate servanthood. समझ रहे हैं? जहां भी opportunity मिले, आपको एक servanthood में initiation लेना. Initiation मतलब एक काम को जो शुरू करता है. Amen? यही वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर ढूंढता है. Hallelujah. I want to be committed. If there is an opportunity, are you ready to take an initial step? Yes, I will do it. Amen. शायद चर्च में होगा, शायद आपके काम के इलाके में होगा, आपके मोहल्ले में होगा. Amen. ब्लेम करना तो सबको पता है, बट आर यू कमिटेड? आर यू रेडी टू बिल्ड योर कमिटमेंट? यस, देर इज एन अपॉर्चुनिटी. यस, आई कैन डू इट. आई विल टेक अ फर्स्ट स्टेप. इफ यू लुक एट द लाइफ ऑफ डेविड, गोलायत आया, डेविड को क्या जरूरत था लड़ने का? वो तो आर्मी में भी नहीं था, टिफिन पकड़ के आया. हालेलुया. देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी. मजाक उड़ा रहा है शत्रु, उसने परमेश्वर की उस भलाई को चखा था. जंगल में शेर आया, शेर के खिलाफ लड़ने के लिए सामर्थ्य किसने दिया? परमेश्वर ने दिया. भालू आया, भालू के साथ लड़ने के लिए सामर्थ्य किसने दिया? परमेश्वर ने दिया. उसका सामर्थ्य दाऊद के जीवन में उसने चखा था. हालेलुया. जब अपॉर्चुनिटी आया, टिफिन को साइड में रखा, बोला आई विल गो एंड फाइट. ये छोटा लड़का, उसके भाई बोले, अरे तू जाके फिर से भेड़ को चरा, क्यों बेकार का हमारा बेइज्जती कर रहा है? गोलियत ने देखे, बोला क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेके आ रहा है? बट देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी. ही वॉज स्टिल नॉट द किंग, बट ही न्यू हिज डेस्टिनी. हालेलुया. उसको पता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है. हालेलुया. दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी एंड ही टुक, ही बिकेम दैट सर्वेंट टू, यस आई विल डू इट फॉर द लॉर्ड. एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. आज भी बच्चे डेविड और गोलायत की स्टोरी पहले पढ़ते हैं. हालेलुया. हम उनको सिखाते हैं कि तुम्हें दाऊद की तरह बनना है. जीवन में काफी गोलियात आएंगे, लेकिन दाऊद की तरह टेक अपॉर्चुनिटी इन योर स्ट्राइड, इनिशिएट. ये बार बार यदि आप करेंगे, कमिटमेंट बढ़ेगा. Don't wait for other person to do it. If there is an opportunity, I will do it. And commitment kya hai, pata hai? It is contagious. Aapko karta dekh ke dusra vyakti bhi seekhega. Amen. Hallelujah. Amen. Second, be passionate about worshiping God. Amen. Commitment ko grow karna hai na, you have to come to a place where you are passionately worshiping God. You may think, what is it? Because when you worship God and when you are not worried about your surroundings, that means you are worshiping the audience of one, and that audience is God. Amen. Kai baar hamara worship kya hota hai, yadi room mein sab thanda hai to hum bhi thanda, yadi room mein sab kood rahe to hum koodenge, lekin yadi sab thanda hai kya aap kood sakte ho, kyunki aapka parmeshwar mahaan hai. Hallelujah. Amen. Praise God. Passionate about worship. David के जीवन में पता है आर्क ऑफ गॉड आ रहा है, पागलों की तरह नाच रहा है. खिड़की से कौन देख रही है? पत्नी, सौल की बेटी मीखल. मीखल ने जो सौल में कभी नहीं देखा, उसने अपने पति में देखा. हालेलुया. और उसको लगा कि ये कितना गंदा है. लोगों को आपकी आराधना गंदा लगेगा, आपको जज करेंगे, लेकिन जो आराधना है वो आपके और परमेश्वर के बीच में आपका रिश्ते को दिखाता है. हालेलुया. व्हेन यू आर वर्शिपिंग वन डे, यू आर बिल्डिंग योर कमिटमेंट. यस, आई विल वर्शिप माय लॉर्ड. हालेलुया. विदाउट शेम, बिकॉज इट इज माय लॉर्ड हु हैज कॉल्ड मी आउट फ्रॉम द पिट एंड आई विल गिव हिम ऑल द ग्लोरी. आमेन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कमिटमेंट. हालेलुया. 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 आमेन. रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, आर यू कमिटेड टू प्रे देयर? हालेलुया. अदर डे आई वाज मीटिंग पास्टर्स इन मैकडोनल्ड्स, एनबीसीसी चर्च के, वहां पे बाइबल स्टडी होती है. प्रेज द लॉर्ड. हम जब वहां बैठे थे, उन्होंने तुरंत अपना म्यूजिक बदला क्रिश्चियन म्यूजिक. प्रेज गॉड. दिस इज व्हाट अ चाइल्ड ऑफ गॉड कैन डू.
When you go out in the world and pray, they will know who you are carrying. Hallelujah. They will change their surrounding. Hallelujah. If MACD can play Christian music, I know that India belongs to Jesus. Hallelujah. Amen. We are all ready to sing songs in a building. You get in a lift. There are three people. You may not know them. Sing some hymns. They will look. You are worshiping the Lord. Hallelujah. There is a commitment that you are growing. Praise God. Don't wait for opportunity. You know, pastor will send me, or I need a mission station. Every step that you are taking is a mission station. Every behavior that you are doing is a mission station. Are you passionate about worship? Teesri baat. Less materialism, more generosity. Amen. Love of money is the root of all kinds of evil. Less of materialism. It is about disciples. You have to become less materialistic, more generosity. If you look in the life of David, temple banane ka time aaya. Raja hai. Right? Usko pata hai ki ark of God tent mein hai, main kaise mahal mein rahun. Permission ne bahar diya. I have to build a house of the Lord. Amen. Daud chahta to aaram se ek agreement pass karta. Aajkal jaise pass hote ki RBI se le lo dhan. Hai na? Aaram se ek agreement pass karta ki national treasury se hum nikal lenge aur hum temple banayenge. Daud ne aisa nahi kiya. Pata hai kya kiya usne? Uske personal gold, uske personal jo possession se, usme se Daud ne diya. Amen. He was not going to use his materialistic power, but he was moved in the heart because God loves a cheerful giver. Hallelujah. Amen. He did not want to make a sacrifice which will cost him nothing. Amen. We all know the story of Arauna. Wahan pe altar banana tha. Arauna ne bola, ye le lo, jameen le lo, ye auctions le lo, sab le lo. Hai na, tumhe kya khareedne ki kya zarurat hai, main de raha hun. Nay, I'm not going to sacrifice anything that cost me nothing. Yadi main, hallelujah, I'm not paying a price. I'm not ready to do it. Hallelujah. Because this is my commitment. I may not be still there. Main abhi tak apna journey khatam nahi kiya, lekin I'm still on my way and I will reach there. And on my way, I will do everything that God wants me to do. Hallelujah. Less materialism, more generosity. Look for opportunity. Look for opportunity. Amen. Hallelujah. Praise God. Fourth thing. You should be accountable to repentance. Accountable to yourself. Jab galti hui, repent karna aapki zimmedari hai. Hallelujah. Daud aisa tha, Bathsheba ke saath. Vyabhichar. Na sirf vyabhichar, uske upar se murder. Hallelujah. Isse bada paap aur kya hai? Amen. Nathan nahi rehta, to shayad koi nahi bol sakta tha. Hallelujah. There was a man of God. Maybe there is a man of God or a person in the kingdom of God who is going to help you to repent. But are you ignoring their voice? Hallelujah. Be accountable to yourself. Amen. You're not going to show off something that is not there. Don't be fake. Yes, I have messed up. It is my responsibility. I am accountable to repent. Repent before my Lord. Because if I repent, my God will forgive me. Hallelujah. And David was forgiven. Amen. David was forgiven. Praise God. And that is the reason we see David still in that line where Jesus was born. Hallelujah. Praise God. Amen. Panchwa cheez. Always love to be challenged. To build commitment, don't run away from challenge. If there is a challenge, love it. Yes. Give me a challenge, I will take it. Amen. I still love Brother Kevin for that. Gave him 6 songs in my voice. Bechara kaam karke thak ke aaya tha 10 baje. Socha tha kal chutti aaram se main bitaunga. He did not even say, "Nahi bhaiya, wo thak gaya ho. Bhaiya, khali 2 song karun kya?" Gave it. Loved the challenge. Yes, I'm ready to do it because it is for my Lord. Hallelujah. Amen. I'm not going to I'm not doing this to please Jaison bhaiya. No. I'm doing this because God has changed my life. And this is the least thing that I can do. I love the challenge. Hallelujah. Sometimes you will be challenged to do something that you never thought that you will ever do. Instead of giving the first response, no.
saying, yes, I will do it. Hallelujah. Amen. If you look at the life of David, he loved to be challenged. Goliath loved to be challenged. Praise the Lord. Hallelujah. He also taught his son Solomon the same thing. Praise God. You know, when we do something, our generation, they learn from it. This is all the people who are married. And also for those people who will one day marry. Hallelujah. ये पांच चीजें यदि आप करेंगे आप कौन देख रहा पता है आपके बच्चे देख रहे हैं यू डोंट हैव टू टीच देम कमिटमेंट दे विल नॉट लर्न इफ यू टीच देम दे विल लर्न इफ यू शो देम आमेन दे विल लर्न इफ यू शो देम आप अपने पीछे जिंदगी को मुड़ के देखे आपने वो चीज ज्यादा सीखा है जब आपने एग्जाम्पल देखा है राइट बहुत लोग बोलते हैं लेकिन वो करके नहीं दिखाते आमेन व्हेन यू सी एन एग्जाम्पल That is the biggest impact that is done in your life. And the same impact can be done through you in the world. Aapke dwara parmeshwar duniya mein wo karna chahta hai. Aap vishwas karte hain? Vishwas karte hain? Hallelujah. Jesus loved the challenge. He gave away the heavens for us. He could have been easily seated in the heaven. Why send me? Kyon mujhe bhej rahe ho? He took the challenge. He came down, became low. Went to the cross, took the pain, took the shame for us. He was the biggest example. Today I stand here when I am telling you to follow the disciples' discipline. I have one person to show you and that is Jesus. Hallelujah. Amen. He is not on the cross anymore. He is seated in the heaven, but he went through the cross. Hallelujah. Because his destiny was not cross. Hallelujah. Cross could not hold him. Hallelujah. Grave could not hold him. Hallelujah. He was risen. And today we are here in the middle of the living God. And today he is giving us an opportunity. Wo hame ek mauka de raha hai ki are you ready to be committed in Jesus? Hallelujah. Forget about man. Forget about religion. Forget about tradition. It is about Jesus. Hallelujah. If it was not for Jesus, aaj hum nahi hote. Can we all stand up? Hallelujah.